हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम निकालते कैसे हैं किसी फंक्शन का? डी फाई अपॉन में डी एस। डायरेक्शनल दिया है तो सम अबाउट सम डिस्टेंस ही होगा ये, इसलिए डी फाई अपॉन में डी एस। ये होता क्या है देखो, तो ये होता है ए कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ए कैप कोई डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम क्या करेंगे ग्रेडियंट फाई से डॉट प्रोडक्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है आपको पता होगा, ग्रेडियंट क्या होता है आपका? ठीक है, क्या होता आपका? ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं पिछले वाले वीडियो को बता भी चुका हूँ। और ए वेक्टर क्या होता है देखो, तो एंड ए सॉरी ए कैप आपको क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ए कैप चाहिए और ग्रेडियंट ऑफ आई चाहिए, तो ग्रेडियंट ऑफ आई अपन निकाल लेंगे। और ए कैप कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन में ग्रेडियंट ऑफ सॉरी मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक और होता है डाइवर्जेंस होता है, उसको भी आप देख लो। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ये भी निकालने आएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन से बताते चलूँगा, आगे की वीडियोस में क्वेश्चंस आपको बताऊँगा इसका। तो ये क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट डॉट आर वेक्टर। ठीक है, ग्रेडियंट डॉट आर वेक्टर ऐसे हम निकालेंगे किसको, था तो डाइवर्जेंस को निकालेंगे। और एक लास्ट में होता है कर्ल, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम देखो कैसे निकालेंगे, कर्ल ऑफ आर वेक्टर बोलो या फिर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बोलो, इसको हम कैसे निकालते हैं, या फिर आप इसको ले सकते हो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, इसको हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे मतलब उसको आप ऐसे ले लो, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो रहेगा वो क्या होगा आपका, आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, आपको मालूम पड़ेगा इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है, ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है, आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। डाइवर्जेंस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल वाले केस में क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इसको निकालने की टेक्निक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, बेसिकली देख लो कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, आई कैप लगा सकते हो या फिर जे कैप के कैप लगा दिए, यहाँ पे लिखेंगे डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड लिख दिए। लास्ट में आपको होगा आर वन वैक्टर, आर टू वैक्टर एंड आर थ्री वैक्टर। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा दैट विल बी कर्ल ऑफ दिस एफ वैक्टर। तो इस वीडियो में बस इतना आपको बता रहा हूँ, आगे के वीडियोज़ में जो है आपको क्वेश्चन बताऊँगा आपको मैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।